नमस्कार सो वेकम मार्टियो ओन चैनल वेल्स का फोटीन ऑफ मार्च 2024 आज है थर्सडे का दिन दैट इज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरे का दिन और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 44 पॉइंट्स डाउन ग्लोबल मार्केट्स में ना ज्यादा नेगेटिविटी है और ना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट में जो गिरावट हो रही है वो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हो रही है आई डोंट थिंक सो मार्केट में जो गिरावट हो रही है इंडियन मार्केट्स में जो गिरावट हो रही है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंडियन कंडीशन ओनली इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंडिया के से चीफ का बबल वाली वार्निंग और इंडिया की यू नो बी के द्वारा म्यूचुअल uh, फंड्स को दिए जाने वाली वार्निंग की एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिस्क डिस्क्लोजर करें तो जो ये ओवरऑल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन uh, आपको मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स तो ये इंडिया स्पेसिफिक है इसमें दुनिया की कोई uh, बहुत बड़ी यू नो इज नथिंग नेगेटिव अक्रॉस द ग्लोब लेकिन एक दो चीज़ें हैं उसको हम लोग अगर डिस्कस करेंगे विल डिस्कस दैट ऑलसो है जो कि ग्लोबली भी थोड़ा सा से नेगेटिव सेंटीमेंट्स से क्रिएट हो रहे हैं uh, गिफ्ट रिटेट कर रहा है फॉर्टी फोर पॉइंट सेवन बात कर रहे जाओ जोन्स की तो करीब सिक्सटी

सिमिलरली निफ्टी बैंक 47,000 के नीचे क्लोज हुआ तो ये 47,000 के नीचे क्लोज होना निफ्टी बैंक का और 22,000 के के नीचे क्लोज होना निफ्टी 50 का ये एक वीक साइन है कल के दिन के जो स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे उसमें लीड कर रहा था आईटीसी आफ्टर इट्स ब्लॉक डील और ब्लॉक डील के बाद में स्टॉक में डिमांड हुई दोस्तों जब मैंने आपको बताया इनिशियल 15 मिनट्स में यू हैव टू वॉच आउट अ स्टॉक अगर 15 मिनट्स में डिमांड रहती है तो दैट मीन्स स्टॉक इज गोइंग टू ब्रेक इट्स फिफ्टीन मिनट्स हाइज एंड देर आफ्टर स्टॉक इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव ओनली इसके अलावा एबट वॉज वन एंड हाफ आई बैंक वॉज हाफ परसेंट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक वॉज हाफ परसेंट आप ये सारे के सारे एफनो सेगमेंट के स्टॉक्स थे कहाँ पर गिरावट थी लीड कर रहा था

बात करें कमोडिटी सेक्शन की सो गोल्ड सिक्स ऑलमोस्ट क्लोज टू सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी सेवन थाउजेंड के लेवल्स को टच करके प्रॉफिट बुकिंग मोड में आकर के सिक्सटी सिक्स थाउजेंड के नीचे आ गया सिमिलरली सिल्वर भी सेवेंटी फाइव थाउजेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है सिल्वर में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ इनफैक्ट सिल्वर दो परसेंट के साथ के बनाओ uh, no, के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखें तो कल के दिन प्रेशियस मेटल्स में तो आई विल नॉट से कि एक तरफा तेजी थी लेकिन मेटल्स में तेज़ी दिखाई पड़ रही थी कॉपर एक साल के हाई पे है बिना uh, सिल्वर you know, और गोल्ड दोनों के दोनों एक एक साल के हाइज पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल दू गोल्ड गोल्ड थोड़ा सा रीट्रेड ज़रूर किया है 67,000 के लेवल से, सो ग्लोबली मेटल्स की डिमांड मेटल्स के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। थैंकफुली क्रूड और नेचुरल गैस ज्यादा नहीं भाग रहा है ये इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज है क्योंकि अगर ये भागने लगे तो फिर तो अपनी आ, नो, अपनी गिरावट और भी ज्यादा बढ़ सकती है फिलहाल कल के दिन इंडियन रुपये में काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि इंडियन रुपये में वीकनेस दिखाई पड़ी अगेंस्ट ऑल करेंसीज फिर चाहे वो डॉलर हो यूरो हो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो या फिर जैपनीज एन अब एक्चुअली में इतनी गदर भी तो चल रही है इंडिया में कहीं पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर के यू you नो know, कुछ हो रहा है कि भाई किसने किसने पैसे जमा किया है अब ये जिस दिन खुलासा होगा या पता चलेगा या मीडिया में बात सामने आएगी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में किसने किसने कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो आप समझिए कितना बड़ा महिम क्रिएट हो सकता है दैट इज़ द रीजन वाई मार्केट इसको फैक्टर इन करने की कोशिश कर रही है anyway, दोस्तों बात करते हैं हम लोग निफ्टी फिफ्टी की कल के दिन थ्री हंड्रेड थर्टी एट पॉइंट्स की नेगेटिविटी थी क्लोजिंग हुई ट्वेंटी टू थाउजेंड के नीचे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट uh, लेवल है ट्वेंटी ट्वेंटी वन नाइन हंड्रेड्रेड्रेड्रेड ट्वेंटी वन वाइन हंड्रेड बीच होता है तो फिर आपको डेढ़ सौ पॉइंट की गिरावट और एक्सपेक्ट करनी चाहिए ऑन दी काउंटर रही जैसा कि अभी आप निफ्टी फिफ्ट गिफ्ट निफ्टी में देख रहे थे ट्वेंटी टू थाउजेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी अगर ट्वेंटी टू थाउजेंड फिफ्टी के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको दो सौ पॉइंट की अपसाइड भी एक्सपेक्ट करनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पिछले चार पाँच दिनों से मार्केट में गिरावट ही चल रही है ऑपरेटर्स का एम ये होगा कि आज की एक्सपायरी में वॉल्टिलिटी को रिड्यूस किया जाए बात समझ में आ रही है तो वॉलिटिलिटी को रिड्यूस करने का मतलब क्या है मार्केट को बिल्कुल रेंज बाउंड रखो अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो फिर जितनी वॉलिटिलिटी बढ़ी हुई है वो सारी की सारी कल डाउन होगी और पिछले महीने जो भी प्रीमियम राइज हुआ है वो सारा का सारा ईटअप किया जा सकता है एटलीस्ट मैं तो यही चाहूँगा कि मार्केट आज के दिन रेंज बाउंड रहे क्योंकि मेरे स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से मार्केट रिमेन्स रेंज बाउंडेड है लॉड ऑफ मनी इज़ रेडी टू बी मेड अगर बात करें हम लोग निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में कल के दिन तीन पॉइंट्स की गिरावट थी क्लोजिंग हुई फोर्टी ऊपर के लेवल हो दोस्तों 47000 मैं आपको बता दे रहा हूं 050 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल सस्टेन करता है तो यहां से 47350 और अगर वो भी ब्रीच करता है तो फिर 200 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन और रखनी चाहिए बात समझ में आ गई नीचे के लेवल पे 46850 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है टूटता है सीधे-सीधे 300 पॉइंट की गिरावट और दिखाई पड़ सकती है तो दीज आर द इंपोर्टेंट लेवल्स विच यू शुड भी फोकसिंग एट टुडे इसके अलावा एफ आई आईज ने कल के दिन सेलिंग करी फोर फाइव नाइन फाइव करोड की उसके अगेंस्ट डी आई आईज ने बाइंग करी मतलब जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने बाइंग करी है नाइन थाउजेंड करोड़ की अब दोस्तों बाइंग हुई है सेलिंग हुई है आपके सामने है आ, लेकिन सिर्फ एफ़ ने क्या बाई किया डी ने क्या बाई किया उसके बेसिस पे आए बाय और सेल डिसीजन आप नहीं ले सकते आपको इंडिपेंडेंटली स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ेगा कौन सा स्टॉक ठीक डिमांड जोन पर है कौन सा स्टॉक में पोटेंशियल है उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें अदरवाइज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक्स एंड बैन जो स्टॉक बैंड में हैं उसमें कुछ स्टॉक ऐड हुए हैं जिसमें कि आर है नल्को है आर बी ऐड हुआ है इसके अलावा एम आउट हो गया तो एम में अभी आप जम के ऑप्शन बाइंग ऑप्शन राइटिंग कर सकते हैं बाकी इन सभी स्टॉक्स में ना तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही ऑप्शन राइटिंग गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि डी रियलिटी ए रियालिटी में नौ करोड़ रेज़ किए हैं एफ फिनेंस ने भी कल के दिन कैपिटल रेज करी है बोनस में दोस्तों पैसा लो डिजिटल का ट्वेंटी ऑफ मार्च को रिकॉर्ड डेट है वन एस का बोनस देंगे सो यू कैन कीप एन आई ऑन पैसा लो डिजिटल वैसे अभी सिर्फ पैसा लो डिजिटली नहीं सभी के सभी एन की अच्छी खासी धज्जियाँ उड़ हैं रीजन हम सभी जानते हैं के ईसी इंटरनेशनल को टू करोड़ के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं मैंने भी दोस्तों स्टॉक को रिसेंटली बाय किया है इस एक्सपेक्टेशन में कि स्टॉक में अपसाइड होगी लेकिन मार्केट में ही वीकनेस चल रही है बेचारा क्या करे कोई स्टॉक बट ए के इंटरनेशनल इज अ ग्रेट स्टॉक यू नो इन लॉन्ग टर्म एज वेल साइंट को दोस्तों मल्टी ईयर का सर्विस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर कार्गो इंजीनियरिंग सर्विसिंग विद एयरबस दस पॉजिटिव न्यूज़ हिंदुस्तान कॉपर ऑपर के हाइस पे ऐसा पॉजिटिव न्यूज अगेन टाटा मोटर्स में दो पॉजिटिव न्यूज है पहले चीज तो अपनी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं तमिलनाडु में उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एम किया है नंबर वन नंबर टू गवर्नमेंट ने अब दैट इज़ न सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी है फॉर फॉर पुशिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टू व्हीलर के लिए भी और फोर व्हीलर के लिए भी के लिए भी थ्री व्हीलर के लिए भी तो स्पेशल इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी हुई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल वे, का टाटा मोटर्स तो कोई भी पुश इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ इज गोइंग टू बेनिफिट टाटा मोटर्स मेजरली मेजरली एच को 8073 करोड़ का ऑर्डर मिला है फेडरल बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया विद साउथ इंडियन बैंक नए आईपीओ में दोस्तों गोपाल स्नैक्स का आज के दिन डेब्यू होना है कोई बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था सिमिलरली पॉपुलर व्हीकल का आई पी सेकेंड डे हो गया है पैंतालीस परसेंट सब्सक्राइब हुआ है आज लास्ट डे मतलब आशा तो यही है कि हंड्रेड परसेंट सब्सक्राइब हो जाएगा क्रिस्टल इंटीग्रेटेड आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है सो आर दी आई पी ओज आर इन पाइप लाइन अच्छा मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं ग्लोबल भी तो भैया रशिया ने कहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर छेड़ देंगे अगर हमको ज़्यादा किसी ने तंग किया तो और यूक्रेन की तरफ से तो वैसे ही उनको पिछले दो साल से वो झेल रहे हैं तो ये एक थ्रेट uh, आया है फ्रॉम रशिया तो दैट समथिंग विच इज़ स्लाइटली नेगेटिव इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी हीटेड uh, uh, माहौल चल रहा है ऐसे भी कल के दिन न्यूज़ आ रही थी ये दो चीज़ें हैं जो कि जियो पोलिटिकल न्यूज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए बाय और सेल डिसीजन आराम से अपनी स्टडी करके ले सकें न एम इज टू रिड्यूस पैनिक नॉट टू क्रिएट पैनिक बस समझ आ रही है टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं वेल्थ आगे ओरिजिनल सर्च करेंगे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो जिन स्टॉक्स में नजर रखनी, रखनी है उन स्टॉक्स पे नजर रखनी है नंबर वन पे आईटीसी जिसमें कल के दिन बाइंग हुई थी आज स्टॉक ऐसा करेगा दैट्स इंपॉर्टेंट अडानी स्टॉक्स पे नजर रखें सी जिसमें बॉन्ड्स के चलते प्रेशर दिखाई पड़ रहा है आई टी स्टॉक्स पर नजर रखो एफ स्टॉक्स पर नजर रखो और अगर हमारे प्राइवेट रूप को ज्वाइन करना चाहते हो अगर इंटरेस्टेड हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेक यूज ऑफ दैट और टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए दोस्तों ये दो वीडियो देखना मत भूलना एंड डू नॉट फॉरगेट टू टेक दैम ऑल्सो क्योंकि मार्च में आप अपने टैक्स भी सेव कर सकते हो उससे थैंक यू सो वेरी मच बाय नाउ